हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चांद इंफ्रा सिस्टम पे। नई वीडियो के साथ आए हैं। ट्यूब पाइप का सेट बना रहे हैं सर, आप सब देख सकते हैं। सारा मटेरियल 3 डेड का यूज़ किया है इसके अंदर। ये लाइट वेट सेट होता है और इसमें आपको मटेरियल जो होता है वो ब्रांडेड लेना होता है। अगर आप थोड़ी लाइफ चाहते हैं सेट की तो वो ब्रांडेड लें, ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसके अंदर हल्का माल यूज़ ना करें। कोलम हमने राउंड लिया है, हाइट ज़्यादा नहीं है इसकी, नॉर्मली हम 20 फुट हाइट ले रहे हैं, देख सकते हैं आप। 60x40 का शेड बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है एरिया, और ग्राउंड लेवल पे शेड बना रहे हैं। ये फाउंडेशन है, वही 4 J-bolt लगाए हैं हमने, ये प्लेटिंग हो रही है। और इस तरह के शेड आप हमसे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी बनवा सकते हैं। बड़े शेड देख सकते हैं आप। इस तरह के शेड बनवाने के लिए आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग शेड बनाते हैं। पर्लिंगों को जोड़ रहे हैं वर्कर, प्राइमर पेंट कर दिया गया है, देख सकते हैं आप वीडियो में। अगर आपका मटेरियल ब्रांडेड है और आपने कैची का स्लोप ठीक दिया है और सोल में सारा काम किया है तो शेड आपका सही बनेगा। प्रॉपर तरीके से गुनिया करके अगर आप बनाते हैं तो पेपर में नहीं जाएगा, तिरछा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो शेड बनाते समय ध्यान में रखना होता है। ये देख सकते हैं आप, हाइड्रा की मदद से ट्रस्ट को ऊपर चढ़ा दिया गया है और सभी साइज स्टैंडर्ड साइज लिया जाता है ट्रस्ट के अंदर। कहाँ पर सपोर्ट लगाना है, कहाँ क्रोश लगाना है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें स्टैंडर्ड साइज लेते हैं। ये देखिए किस तरह से हाइड्रा से करने से काम थोड़ा टाइम बच जाता है और सेफ्टी भी हो जाती है और वर्कर को थकान भी नहीं होती। ये देख सकते हैं आप, ट्यूब पाइप लाइट वेट स्ट्रक्चर है ये। इस तरह के शेड बनाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए आप, 1x1 ट्रस्ट को ऊपर ले जाया जा रहा है हाइड्रा की मदद से। सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, प्रॉपर एक बंदा चाहिए होता है नीचे जो गाइड करे वर्करों को, हाइड्रा को, तभी काम प्रॉपर सही तरीके से हो पाता है। ये हमने पंजाब के अंदर लुधियाना में बनाया है। ये देखिए स्ट्रक्चर के ट्रस्ट सारे रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप वीडियो में। कोई भी आप बात पूछनी हो शेड से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल पे नंबर के फ़ोन मिला सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। और ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपको शेड बनाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। शीटिंग हो रही है, ऑफ वाइट कलर की शीट ली है, इंसुलेशन के साथ शीटिंग कर रहे हैं। इंसुलेशन लगाने से 30% से 25% की हीटिंग कम हो जाती है, इसलिए इंसुलेशन का आजकल क्रेज चला हुआ है, लोग बाग यूज़ करते हैं। देखिए आप, फ्लोरिंग भी की है इसके अंदर हमने PCC, क्योंकि फैक्ट्री का मामला था, इसमें PCC रिक्वायरमेंट थी, हमने PCC भी किया है इसमें, अभी आपको दिखाएंगे। 4 से 5 इंची की PCC की है इसके अंदर हमने, और काफ़ी अच्छे तरीके से इंसुलेशन को लगाया गया है। टेपिंग की गई है गैप में कि हवा एयर अंदर ना जाए, जिससे कि लटक ना बने। देख सकते हैं आप, वर्टिकल शीटें सभी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए फ्लोरिंग के लिए लेवल किया गया है ठिया बना के, इससे अच्छी लेवल हो जाते हैं, मटेरियल प्रॉपर लगता है। ये देखिए वर्कर द्वारा, मशीन द्वारा काम को किया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। किसी तरह की भी कोई इंक्वायरी हो तो आप हमें नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।